हमीरपुर से जलंधर जा रही एचआरटीसी बस स्टेयरिंग फ्री होने से लठियाणी के पास हुए हादसे के बाद एचआरटीसी प्रबंधन अपनी खाल बचाने में लगी हुई है। हालांकि ये हादसा स्टेयरिंग खुलने के साथ ब्रेक फेल होने पर हुआ है, लेकिन एचआरटीसी अधिकारी उल्टा चालक को ही इस हादसे के लिए दोषी मान रहे हैं और गाड़ी को पूरी तरह से फिट बताया जा रहा है। एचआरटीसी प्रबंधन के इस रवैये के चलते एचआरटीसी चालक संघ ने मोर्चा खोलते हुए रोष जताया। एचआरटीसी प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए चालकों का कहना है कि कई सालों से प्रबंधन रोषचोषण कर रहा है। इस हादसे पर जहां पुलिस की रिपोर्ट भी चालक के पक्ष में है और मौके पर दिए गए फोटो से भी साबित हो रहा है कि हादसे की वजह स्टेयरिंग टूटना है, जिस कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और कोने में खड़े बाइक सवार पर गाड़ी चढ़ गई, जबकि चालक की सूझबूझ से बस में सवार 40 यात्रियों की जान बची है। एचआरटीसी चालक संघ अध्यक्ष मान सिंह ने आरोप लगाया है कि एचआरटीसी निगम प्रबंधन के जांच कमेटी के अधिकारी सारे सबूतों को अनदेखा कर रहे हैं और चालक पर ही सारा दोष दे रहे हैं। उन्होंने विरोध जताते हुए कहा कि प्रबंधन हमेशा चालकों और मैकेनिकों का शोषण करता आ रहा है और इनके गलत रवैये के चलते ही ऐसे हादसे हो रहे हैं। हमीरपुर से जलंधर टाइम गई और वो लठियाणी के पास कैलमी नामक स्थान पे एक्सीडेंट हुआ। उसमें एक आदमी बस के नीचे आ गया। उस बस का डिफेक्ट जो था वो था स्टेयरिंग फ्री हो गया उसका, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि वो गाड़ी ओके थी। इसके बारे में मैंने आज बोलना है और इस काम के लिए मैं आया हूँ। हमारे ड्राइवरों का बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। ये तो चलो अच्छा हुआ कि वो प्लेन में एक्सीडेंट हुआ। अगर लठियाणी की डॉन में कहीं होता तो कम से कम 40 आदमी जो थे वो कैजुअल्टी होनी थी। तो उस बात का जिम्मेवारी किसने लेनी थी? तब इन्होंने बिल्कुल ड्राइवर के ऊपर डाल देनी थी, जैसे कि आज कर रहे कि वो हमारे अधिकारी जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि स्टेयरिंग जो था वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ओके है, और पूरी जो जिम्मेवारी ड्राइवर के सिर के ऊपर उन्होंने थोप दी है। तो मैं इसी के बारे में उनका इस बात का विरोध करने आया हूँ। आज मैं शिमला से अभी 10:30 बजे यहाँ पहुँचा, मेरे को बिल्कुल अर्जेंट आना पड़ा, इसी कारण मैं यहाँ आया। आज तक हमारे ड्राइवरों का यही क्षण करते आए कि जो भी गलती है ड्राइवर की, ड्यू टू ड्राइवर ने किया, इन्होंने सामान नहीं डाला, इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि हमारे पास स्टेयरिंग के जो स्टेयरिंग फ्री हुआ है उसके फोटो हैं, पुलिस की FIR लॉज है, वो कॉपी हमारे को अभी आ जानी है। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट जो है, कल हमारे इंक्वायरी अफसर WM देरा RM उन्ना जो इंक्वायरी के लिए आए, और उन्होंने हमारे ड्राइवर को बोला कि नहीं गाड़ी बिल्कुल ओके है, उनको उसको डरा धमका के WM हमारे WM साहब डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं गाड़ी ओके थी जब मैंने देखा। हमारे मैकेनिक महोदय श्री महेंद्र जी गए जिन्होंने गाड़ी ठीक की, वो बोलते हैं नहीं मैंने गाड़ी ठीक, स्टेयरिंग जो था वो फ्री था, और WM को भी बताया। जब उस मैकेनिक की बात को नहीं सुना जा रहा है कि तो आपने कैसे आप सामान लेके गए, आपने क्या सामान डाला, उसने बोला गाड़ी मैंने ठीक की, तब पुलिस स्टेशन गई 5 बजे के बाद। लेकिन हमारे अधिकारी जो मानने को तैयार नहीं है, टोटल जिम्मेवारी जो टोटल लाइबिलिटी जो मेरे हमारे ड्राइवर के ऊपर डालने के लिए तैयार है, वो अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, ड्राइवर को सस्पेंड करने के चक्कर में। इसी विषय के बारे में मैं आज आया हूँ और इसी विषय के बारे में बोला भी मैंने, और अब ये मेरा ड्राइवर भी आपको इंटरव्यू देगा कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बड़ा भारी शोषण हमारे ड्राइवर कंडक्टर और मैकेनिकों का बड़ा भारी शोषण इस HRTC में हो रहा है ड्यू टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपनी चलाते हैं, इंक्वायरी अफसर इनके होते हैं, अफसर की बात सुनता है, हमारी बात कोई सुनता नहीं। ड्राइवर को बिना मतलब से बोल रहे नहीं यार गाड़ी ओके थी, जबकि ड्राइवर बोल रहा है भाई गाड़ी बिल्कुल ओके नहीं थी, स्टेयरिंग फ्री था। पुलिस FIR लॉज बोल रही है स्टेयरिंग फ्री था, मैकेनिक बोल रहा है स्टेयरिंग फ्री था, लेकिन हमारा WM साहब जो है वो डायरेक्ट बोलते हैं गाड़ी ओके है। तो इस बारे में आज मैंने बोला बहुत ही घोर अन्याय है। मैं मैनेजमेंट MD महोदय से, परिवहन मंत्री महोदय जी से भी ये निवेदन करूंगा कि ये शोषण बंद किया जाए, अन्यथा इसके परिणाम जो बिल्कुल गंभीर होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। बस चालक महेश कुमार ने बताया कि लठियाणी के पास बस के स्टेयरिंग टूटने पर हादसा हुआ है, लेकिन इस हादसे में स्टेयरिंग टूटने से गाड़ी को बड़ी मुश्किल से बस में बैठे सवारियों को जान बचाने के लिए गाड़ी को दूसरे कोने में ले जाया गया, जहां पर एक बाइक पर गाड़ी चढ़ गई है जिसमें एक युवक की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि DM के द्वारा मुझे हादसे के लिए दोषी ठहराया जा रहा है और सारे सबूतों को अनदेखा किया जा रहा है। हमीरपुर से जलंधर नामक स्थान पर जा रहा था, लठियाणी से आगे कैरमी के पास बांस साइड में एक गाड़ी खड़ी थी, उसके आगे स्कूल बस खड़ी थी। जैसे ही मैंने महोदय गाड़ी घुमाई स्कूल बस को पास करने के लिए,
तो अचानक मेरी गाड़ी में कड़क की आवाज आई, जैसे आगे से और गाड़ी आ रही थी, और जैसे मैंने हल्का सा टर्न दिया उतने में गाड़ी का स्टेयरिंग जो फ्री हो गया, और 15-20 फुट पे मोटरसाइकिल खड़ा था, मैं उसको नहीं बचा सका। जैसे गाड़ी को मैंने जोर से ब्रेक दी और मेरे हाथ में स्टेयरिंग आ गया, और महोदय मैं स्कूटर मोटरसाइकिल को बचाने में असमर्थ रहा। मगर उसके बाद भी महोदय, जब गाड़ी के नीचे स्कूटर आ गया, हमने जैक लगाकर उस स्कूटर वाले को निकाला और उसको हॉस्पिटल लेके गए। मगर महोदय, मुझे ये नहीं पता लगा कि मेरी गाड़ी का कौन सा पार्ट टूटा हुआ है, मैं देख नहीं पाया, और मैं उसको लेकर जो है का बंगाना हॉस्पिटल गया, और उसके उपरांत जो है मैं ऊंडा लेके गया, मगर वहां जो है डॉक्टर साहब ने उसके मृत घोषित कर दिया। फिर महोदय मैं ऊंडा थाने में आया और उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल कराने के लिए मुझे ले गए। मगर महोदय, मुझे नहीं पता कि गाड़ी का कौन सा पार्ट टूटा था, कौन सा नहीं टूटा था। फिर वहां से पुलिस का जो मैकेनिक था वो वहां से गाड़ी लेकर गए, और वहां गाड़ी हमारा मैकेनिक भी था, दोनों ने फोटो होने के बाद जो है उपरांत गाड़ी को ठीक किया, और ठीक करने के बाद महोदय ये डोंखर थाना में जो गाड़ी को लगा दिया गया। मगर कल इंक्वायरी ऑफिसर हमारे साहब आए थे, तो जितना भी मेरे से भी जो व्यूज लिए मैंने दिए सर, मगर डब्ल्यूएम साहब ने बोला कि जब हम वहां यहां पहुंचे, गाड़ी के पास पहुंचे, तो आपकी गाड़ी ठीक थी। मगर महोदय, वो कुछ ठीक नहीं थी, हजारों लोगों ने गाड़ी को देखा, मगर महोदय किसी ने भी मुझे ओए करके नहीं बोला, स्टेयरिंग देखकर वो परे हो गए कि ड्राइवर क्या करेगा। महोदय, मैंने एचआरडीसी का कोई नुकसान नहीं किया, 30-40 सवारियां मेरे पास अपनी थी और स्कूल बस में 30-40 बच्चे थे। मगर महोदय, मेरे हाथ खड़े हो गए, मेरे हाथ में जब स्टेयरिंग आ गया, मेरा खुद का बैलेंस जो सर खराब हो गया। और महोदय, मैं एक बार बड़ी ऊंची आवाज दी कि मेरी मैं कह मर गए, इतनी आवाज निकली, और मैं स्टेयरिंग जैसे ब्रेक दी और मेरी गाड़ी जो है मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गई, मैं उसको बचाने में महोदय बहुत असमर्थ रहा, मगर मैं कुछ नहीं कर पाया, जबकि मेरे हाथ में महोदय स्टेयरिंग आ गया। उसके लिए मैं कोई भी गुनाहगार नहीं हूँ, मगर अगर स्टेयरिंग ठीक होता तो मैं कभी भी ऐसी घटना नहीं होती, और मेरी भी जिंदगी में कभी दाग नहीं लगता। मुझे मैं 2001 से सर इस एचआरडीसी में हूँ, आज तक मैं कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। महोदय, मैं ऐसा भागी आदमी हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाया।